बिहार की धरती से ही ये बिगुल बजा है और तेलंगाना जैसा राज्य कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। बिना किसी रुकावट के कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है और भाजपा वहाँ खाता खोल ले, यही बहुत बड़ी बात। मध्य प्रदेश जहाँ लोकतंत्र को लूट के सरकार बनाई गई थी, वहाँ प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है और सेमीफाइनल जो है वो कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है। एनडीए सरकार के खिलाफ जो एक गठजोड़ खड़ा किया बिहार ने, वो अब पूरे देश में असर दिखा रहा है कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना, झूठ मूठ का आप बनाओ ना बहाना, आपकी ये कार अब तो हो गई बेकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। का सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल जो है वो कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है। मैं बिहार की धरती पे हूँ, बिहार की धरती से ही ये बिगुल बजा है, तो बिहार की धरती को इस बात के लिए सलाम के एनडीए सरकार के खिलाफ जो एक गठजोड़ खड़ा किया बिहार ने, वो अब पूरे देश में असर दिखा रहा है और तेलंगाना जैसा राज्य कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। मध्य प्रदेश जहाँ लोकतंत्र को लूट के सरकार बनाई गई थी, वहाँ प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, तो एक बहुत शुभ संकेत है हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, लोकतंत्र के लिए। तेलंगाना के बारे में फिर से पूछेंगे कि क्या उम्मीद है आप लोगों को? मैं वहाँ तकरीबन 20 दिन चुनाव प्रचार करके आया हूँ, मैंने 30 से ज्यादा रैलियां की हैं। तेलंगाना में बिना किसी रुकावट के कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है और भाजपा वहाँ खाता खोल ले, यही बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, ये मतलब इंडिया गठबंधन में अब तो ये विधानसभा खत्म हो गया, अब लोकसभा की बारी है, प्रधानमंत्री का कौन सा चेहरा आप लोग किसको देखना चाहेंगे, क्योंकि खड़गे जी को पसंद बताया जा रहा है प्रधानमंत्री के लिए? मुझे लगता है कि अभी बहुत समय है, बहुत सारे दावेदार हैं। भाजपा के पास तो बस एक चेहरा है, उनके बाद कुछ है नहीं। कांग्रेस पार्टी के पास, बाकी गठबंधन के पास तो बहुत सारे चेहरे हैं। हम तो चाहेंगे कि राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई उन्होंने की है, उनके ही नेतृत्व में और उनकी ही कोशिशों से देश एकजुट हुआ है और उनके प्रयास को कोई झुटला नहीं सकता। एक मुश्किल वक्त में 4,000 किलोमीटर चले वो, तो हम तो जाहिर सी बात है हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, हम सबकी ख्वाहिश है कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने, बाकी तय कर लिया जाएगा। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 भैया जिंदाबाद, राहुल जिंदाबाद, जिंदाबाद। इमरान जी के अंदाज में कुछ दो लाइनों में हो जाएगी जो देखिए, मैं तो पूरे देश में जाकर के, मैंने तो तेलंगाना में मेरा एक नारा बहुत पॉपुलर हुआ कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, तो वो जो नारा था मैंने उसे कविता बना दिया और वो पूरे देश में बहुत वायरल भी हुआ कि बाय बाय केसीआर, बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना, झूठ मूठ का आप बनाओ ना बहाना, आपकी ये कार अब तो हो गई बेकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।